सर ये जो बिल आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस और नीति आयोग ने 2019 में जब एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, उन्होंने 2019 के बिडिंग प्रोसेस को कहा था कि उसमें बहुत कमियां हैं। कमियां इस आधार पर बोली थी क्योंकि छः एयरपोर्ट जब प्राइवेटाइज हुए थे वो सब एक ही इंसान को गए थे, एक ही ग्रुप को गए थे, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये कहा था कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो प्राइवेटाइजेशन में भागीदारी ले रहा है उसको 2 एयरपोर्ट से ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए, पर ये पर्टिकुलर विशेष इंडस्ट्रियलिस्ट को करीब 7 एयरपोर्ट्स मिले थे, जिसमें से 6 एयरपोर्ट्स को 50 साल के लिए मिले हैं। एक ही एयरपोर्ट फाइनेंशियली वायबल है, बाकी सारे लॉसेज में हैं, और वो कौन है वो जॉर्ज सोरोस हमें नहीं बताएगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस और इन सब से ही पता चल रहा है, वो अदानी एयरपोर्ट्स है। सर जब वो ये मैक्रो बिल है जहाँ पे हम एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि 880 एयरक्राफ्ट नए आने वाले हैं, पर ये बताना भूल गए कि हमने 5 एयरलाइंस जो फुल सर्विस एयरलाइंस होती थी, करीब 13 सर्विस एयरलाइंस होती थी, 5 फुल सर्विस एयरलाइंस होती थी, 17 साल में अब एक ही रह गई है, वो है एयर इंडिया। और किसी तरीके का फेयर कंपटीशन जो हम कहते हैं, कोई फेयर कंपटीशन नहीं रह गया है, मोनोपली या डुओपली रह गई है। 2 एयरलाइंस पूरे एविएशन सेक्टर को संभाल रही हैं, जिसकी वजह से ये हाई टैरिफ्स जो हम फेस करते हैं वो इसी वजह से फेस करते हैं। ना एयरलाइंस हैं, 880 एयरक्राफ्ट हैं, पर किसके पास मोनोपली है, डुओपली है, वो हम सब जानते हैं, वो इंडिगो एयरलाइंस है और एयर इंडिया है। सर दूसरा जो है कहा जाता है जो टैक्सेस ATF फ्यूल है, 40% जो पैसेंजर फेयर होता है वो जो फ्यूल है उसकी वजह से निर्धारित होता है। उस पर भी जो सारे इनके स्टेट्स हैं जिस तरीके से उस पर टैक्सेस लगते हैं उस पर भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है कि जनता को राहत मिले। मंत्री जी ने उड़ान स्कीम के बारे में कहा था कि उड़ान स्कीम से हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के भी एक MP बता कर गए हैं कैसे उड़ान भर रहे हैं। 870 रूट निर्धारित किए थे, जिसमें से 106 रूट तो डिसकंटिन्यू कर दिए 3 साल में ही। तो ये कहाँ से हम कह रहे हैं कि हम नए एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, पर वो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं पर वो ऑपरेशनल नहीं है, आधे से ज़्यादा तो बंद हो रहे हैं। 8 एयरपोर्ट्स अंडर दी उड़ान स्कीम आर नॉट ऑपरेशनल। कौन से हैं? तेजपुर, पोरबंदर, हिसार, बिदर, पौंडीचेरी, पठानकोट, पैक्योंग एंड कुशीनगर, ये वाले ऑपरेशनलाइज ही नहीं हुए हैं। अयोध्या भी जब राम मंदिर बना था, अयोध्या की भी बहुत सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स बनाई थी, शुरू की थी, 16 से ज़्यादा मुंबई से चल रही थी, अब एक भी नहीं चल रही है। तो सर ये जो स्कीम्स अनाउंस होती हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में विफल होती हैं। सर एक लास्ट पॉइंट है, क्योंकि वो मेरे पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का मुझे जवाब मिला था। जनवरी 2023 से करीब 1100 होक्स कॉल्स आए हैं, हाईजैक कॉल्स आए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस एयरलाइंस को हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो मेंटल ट्रॉमा पैसेंजर्स गो थ्रू करते हैं 6-7 घंटे। सर मैं एक ही सेकंड लूँगी, बस वो बताना चाह रही हूँ कि खास करके मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट्स को प्रभावित करते हैं, एयरलाइन सेक्टर को प्रभावित करते हैं, उसका इकोनॉमिक लॉस कितना है, क्या किस तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें निर्धारित करना ज़रूरी है। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगी कि विधेयक बिल अच्छा है पर उसको और पुख्ता बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच।